प्रदेश बीजेपी के एक साल के जश्न कार्यक्रम को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी के सदस्य सुनील शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और धर्मशाला में पीएम की आभार रैली को विदाई रैली बताया। जनसभा में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रैली में पहुंचने के आदेश जारी हुए हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी की धर्मशाला रैली को लेकर आरोप लगाया है कि इस रैली में सरकारी कर्मचारियों को पहुंचने के आदेश जारी हुए हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की एक साल की उपलब्धि कोई नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी जश्न मनाने की फिराक में है। कहूंगा कि ये पूर्णतः निराशाजनक रहा है। सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको धर्मशाला पहुंचाने के आदेश हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हैं उनको ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जो लोग हैं उनको धर्मशाला पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि कल तक इस जनसभा का, इस रैली का नाम कुछ और था और आज बदलकर इसका नाम जो है वो जन आभार रैली रख दिया गया, जो अपने आप ही स्पष्ट करता है कि इनको एहसास हुआ कि ये तो स्पष्ट एक संदेश जा रहा है कि हम किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं इस रैली के लिए। गांधी कुटीर योजना में भी मकान मिला है, राजीव कुटीर योजना में भी मकान मिला है, किसी को कुएं के लिए पैसे मिले हैं, किसी को शोक पिट के लिए पैसे मिले हैं। आज उनको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी एक वर्ष के उपलब्धियों का जो जश्न है उसको मनाने जा रही है, तो अपने आप में इसमें इस जनसभा को लेके, इस रैली को लेके एक बहुत बड़ा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का प्रश्न चिन्ह जो है वो लाजमी तौर पर लगता है। वहीं एआईसीसी के सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी की धर्मशाला में पीएम रैली आभार रैली नहीं अपितु मोदी की विदाई रैली होगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार केंद्र में रहते हुए प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर सकी हो, वो एक साल का कैसा जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदहाल स्थिति है, जिस पर बीजेपी सरकार गंभीर नहीं है। जो सरकार पांच साल में केंद्र सरकार में रह करके कुछ भी नहीं कर सकी, वो एक साल का हिमाचल प्रदेश की सरकार का जश्न मनाने के बहाने यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी की ये विदाई रैली है और इसमें मनरेगा के लोगों को, आंगनबाड़ी के लोगों को, सहायक संगठन के लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि वो रैली में वहाँ पर पहुँचे। जैसे कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, लोगों को दबाव है, रैली में पहुंचना अनिवार्य है। जो सरकार के ऑफिसर्स हैं वो परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बसें भेजने के लिए। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की एक साल की बात है, मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य को किसी भी सरकार को मजबूत करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है और जिला हमीरपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य का एक नमूना देखने को मिला, जो कि जयराम सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ और वो है शिक्षा कहेंगे तो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य कहेंगे तो अस्पताल। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि एक साल के बीजेपी कार्यकाल में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था फैल रही है तो स्वास्थ्य की सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का जनता के हित कार्यों में कोई ध्यान नहीं है और बीजेपी की सरकार को आरएसएस कार्यकर्ता चला रहे हैं, तो आरएसएस के दबाव में अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अजय शर्मा, शहरी प्रधान मनोज शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी विवेक कटोच भी मौजूद रहे। एक साल के कार्यकाल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बुरी तरह से फेल हुई है और साथ में ही पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित आज चाहे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, पैरा स्टाफ की कमी है
और स्टाफ नर्सों की कमी है, अस्पतालों के अंदर जेनेरिक दवाइयां दी जा रही हैं वो काफी लो लेवल की दवाइयां हैं और उनका कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है, और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करने के लिए उन्होंने बात रखी थी, परंतु प्रदेश सरकार जो है इसकी ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार को भाजपा के विधायक नहीं चला रहे हैं बल्कि आरएसएस इस सरकार का संचालन कर रही है। आज दफ्तरों के अंदर चाहे विभागों के अंदर आप जाएंगे तो आरएसएस का पूरा का पूरा बोलबाला है और प्रदेश की सरकार को आरएसएस ही चला रहा है। जहां तक तबादलों की बात है, प्रदेश सरकार पूरी तरह तबादलों में उलझी हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को खुद यह कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि विभागों में बदलाव होगा। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में आपसी तालमेल की भी बहुत कमी है और एक साल के अंदर प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे उनको निभाने में वो पूरी तरह से असफल रही है।